मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं और आपको विदित है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। जो आपको एक दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में आपका वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा वीडियो वास्तविक है, जो कि मेरे दर्शक परेशानी को झेल रहे हैं। मेरा कोई बनावटी नहीं है, बिल्कुल डेट से, बिल्कुल आप लगन से देखिए तो मेरा वीडियो वास्तविक है। जिस किसी को भी कैसी कोई प्रॉब्लम है, ऋषि ज्योतिष चैनल से जुड़ जाइए, लिख दीजिए, मैं उसका भी मार्गदर्शन करूंगा, किसी का भी मार्गदर्शन करूंगा। हां, पूरी कुंडली के लिए तो दर्शकों विश्लेषण नहीं किया जा सकता, पत्रिका लिखना ही पड़ता है। आज के वीडियो में जातक का प्रश्न आया कि गुरु जी, मैं परिश्रम तो बहुत करता हूं लेकिन परिश्रम के अनुपात में मुझे श्रेय नहीं मिलता, मुझे उतना फायदा नहीं होता, क्या कारण है, मेरा भी मार्गदर्शन करो, क्यों नहीं मिलता। तो उस जातक की कुंडली पर विचार करेंगे कि वो परिश्रम करता है। हमेशा हम कहते हैं अगर भाई परिश्रम अगर करे और भाग भी साथ दे तो जातक चांद पर चढ़ जाता है। तो परिश्रम करने वाला है तो उसमें क्या कमी आ रही है, हम क्या उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि आपका सभी का भी मार्गदर्शन हो। आज का विषय है परिश्रम अधिक, लाभ की प्राप्ति कम, आर्थिक स्थिति कमजोर, भाग्य कमजोर, कारण क्या है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 खाके हैं। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि है। जब लगन और लग्नेश पर शुभ प्रभाव होगा या लगन और लग्नेश शुभ स्थिति में होगा तो वह अच्छा माना जाएगा, और जितना ही पाप प्रभाव होगा, अशुभ स्थिति में होगा तो संघर्ष में कुंडली बनती है। हमेशा मैं आपको मैं बताता हूं, द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव प्राथम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान विवेक बुद्धि का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी और रोजगार का, अष्टम भाव आयु का भाव है, दीर्घकालीन कष्ट का भाव है, गड़ा हुआ धन भी है और गूढ़ ज्ञान भी है। नवम भाव जिसको बोलते हैं भाग्य, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव। दसम भाव पिता के सुख का भाव है, ऊंचाई पर ले जाने वाला, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है, साधारण तौर पर हम इसको आमदनी का भाव कह देते हैं। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, खर्च का भाव है, दंड का भी भाव है और विदेश का भी भाव है। ये मोटे तौर पर स्थिति रही। जातक का जन्म धनु लगन में हुआ, धनु लगन के 17 डिग्री वेजभाव में है। जन्म के समय पर जातक का जन्म 3 अप्रैल 1985 शुक्ल पक्ष द्वादशी मघाचरण 4 बुधवार को हुआ। शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, मघाचरण 4 वैसे तो गर्भमूल है लेकिन धन की प्रति से अच्छा माना जाता है। लगन के 17 डिग्री विराजमान है, लग्नेश गुरु द्वितीय भाव में नीच राशि में है, 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में सूर्य 19 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर बुध अस्त है, बुध मीन राशि में नीच का माना जाता है। साथ में शुक्र 21 डिग्री लेकर विराजमान है, बुध भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि मेष राशि में है, 19 डिग्री लेकर विराजमान, साथ में राहु 26 डिग्री लेकर विराजमान। नवम भाव में चंद्रमा 12 डिग्री लेकर विराजमान है, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है नवम भाव में। एकादश भाव में केतु 26 डिग्री और द्वादश भाव में शनि 3 डिग्री 54 मिनट लेकर विराजमान है। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि धनु लगन के स्वामी गुरुदेव हैं, प्राय आमतौर की बात बताता हूं, जो धनु लगन के आदमी होते हैं उनमें विचार दार्शनिक होते हैं, ऐसे जातक सहज ही दूसरों पर विश्वास भी कर लेते हैं परंतु इनकी सादगी का लोग अनुचित लाभ उठा लेते हैं और इनको धोखा खाना पड़ता है। साहसी तो होते हैं क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, साहसी तो होते हैं, ग्रहों के परिवार से कुछ प्रभाव में भिन्नता भी आ सकती है। लग्नेश गुरु द्वितीय भाव में नीच राशि में है,
सबसे बड़ी तो ये बात आ गई कि गुरु नीच राशि में हो गया और गुरु लग्नेश है और द्वितीय भाव धन का कुटुंब का भाव है, धन और कुटुंब में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, पैतृक धन संपत्ति में बाधाएं आती हैं। गुरु चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और लगन का भी स्वामी है तो दोनों में परेशानी आएगी, माता भूमि मकान के आदि में परेशानी आएगी, सुख में परेशानी आएगी, तो सुख का भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया और लग्नेश नीच राशि में हो प्रबल पितृ दोष माना जाता है, उसके बाद गुरु बन गया लग्नेश तो मैं ये कहूंगा डबल पितृ दोष बन गया, क्यों? गुरु दाता है, धन का कारक है, संतान का देने वाला है, हरिवंश प्राण में तो ये कहा गया है कि गुरु जब नीच राशि में पाप ग्रह की राशि में आता है तो पितरों का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव होता है, तो पितृदोष है। ऐसे जातक को गुरु छठे भाव को देख रहा है, रोग और शत्रु सताते, मित्र नीच लग्नेश है, वाणी का ही भाव है और दाने आंख का ही भाव है, उसमें किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। जातक की माता, जातक की माता स्वयं उसके घर से अधिक संपन्न घर की होती है और ननिहाल पक्ष से भी कुछ मदद मिल सकती है ऐसे जातक को। गुरु उच्च दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु तो अच्छी होगी। गुरु नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, व्यवसाय के पक्ष में सम्मान मिलेगा और जातक को सम्मानित मिलता है, उन्नति कि अग्रसर रहता है ऐसा जातक। लग्नेश है गुरु और परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है उसको, नीच लगन नीच को, नीच का ग्रह मैं हमेशा बताता हूं फल तो देगा लेकिन अधिक परेशानी अधिक संघर्ष करा करके देगा, तो परेशानी से व्यवसाय में सम्मान दे रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की, दस को सूर्य नव भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में मीन राशि में सूर्य है, मीन राशि में सूर्य देवता के समान हो जाता है, तो गुरु की राशि है, माता भूमि मकान का परिश्रम द्वारा फल मिलता है उसको। सप्तम दृष्टि से यहां पर एकादश भाव को देख रहा है सूर्य, दशम भाव को देख रहा है, दशम भाव के लिए दिग्बली माना जाता है, सम्मान की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक को राशि ठाट बाट सूर्य दे रहा है, कुछ भी होने दो, कम पैसा होने दो, परिवार कुछ भी मदद ना करने दो, लेकिन फिर भी अपने लेवल पर उसको हार से माकर मन उसका खुश रहता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, दर्शको चंद्रमा धनु लग्न में अष्टम भाव का स्वामी है और नव भाव में है तो भाग्य की उन्नति करने की कोशिश करेगा लेकिन अष्टमेश होने के नाते परेशानी रहेगी, कठिनाई रहेगी। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि बहन भाइयों से उनसे मतभेद रहेंगे क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टमेश जहां भी बैठेगा वहां तकलीफ देगा, जहां देखेगा वहां पर भी नकारात्मक प्रोग्राम प्रभाव देगा, तो ऐसा ही कुछ है। अब बात करते हैं बुध की, मैं बात करते हैं मंगल की, मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है, मंगल राहु के साथ अंगारक योग बन रहा है, यहां पर गड़बड़ आ गई। पंचम भाव में वैसे ही मंगल अपनी राशि में होने दो या सूर्य अपनी राशि में होने दो, शिक्षा तो दे देगा लेकिन संतान के लिए दिक्कत आती है क्योंकि गर्म ग्रह है और यहां पर गर्म ग्रह संतान में दिक्कत देते हैं और राहु भी साथ में है, उसके भी साथ लेकर के जो भी राहु देखेगा तो भी मंगल के और राहु के दोनों के गुण देगा, राहु की तीन दृष्टि है मंगल की भी तीन दृष्टि है, जहां पर भी दृष्टिपात करेंगे मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, जीवन में कष्टों का वातावरण बनेगा, साथ में राहु का भी प्रभाव उसको मिलेगा क्यों राहु और मंगल दोनों का एक वातावरण है। मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी में उतार चढ़ाव रहे, अष्टम दृष्टि से खर्चा अधिक होगा, मंगल यहां पर खर्चा अधिक करा रहा है। अब बात करते हैं बुध की, दर्शकों यहीं पर से पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाता है कि बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है, बुध केंद्राधिपति दोषी तो माना जाता है लेकिन योग तो उसका भंग हो रहा है क्योंकि सूर्य त्रिकोणेश है, जब त्रिकोणेश के साथ लग्नेश के साथ होता है तो दोष भंग हो जाता है, दोष तो भंग हो गया
लेकिन वही हो गया, आसमान से गिरा खजूर मटका हो गया, दोस्तों बंद हो गया, लेकिन बुध अस्त हो गया और सूर्य से कितना 1-1.5 डिग्री के फर्क पर है। तो बिल्कुल आप ये सोचो प्रभावहीनी है, तो उसको हम प्रभावहीनी कह सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है। सूर्य की 19 डिग्री 22 मिनट है, बुध की 20 डिग्री 43 मिनट है, कुछ भी नहीं है। सूर्य उसकी कमी पूरी कर रहा है, सूर्य सप्तम दृष्टि से मैंने जैसे बताया व्यवसाय में दे रहा है, लेकिन बुध तो कुछ नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कमी का कारण बनता है कि तो सप्तम भाव यानी दशम भाव का स्वामी अस्त हो गया। दशम भाव का स्वामी अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में परेशानी आ गई। सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया, रोजगार का ही भाव है, स्त्री सुख का ही भाव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ कमी का वातावरण बनेगा, कारण कुछ भी बनता रहे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु लग्नेश है, वो पहले ही बता दिया। अब आया शुक्र। दस को शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। धनु लग्न के लिए ग्रहों की पंचायत में कुंडली की रचना में छठे से छठा शुक्र है, परम पापी माना जाता है। लेकिन शुक्र के बिना तो जीवन नहीं है, जिसका शुक्र अच्छा तो जीवन अच्छा। यहां पर तो शुक्र उच्च राशि में तो है, मीन राशि में उच्च राशि का आता है शुक्र, लेकिन 21 डिग्री लेकर के बंद हो गया, 2 डिग्री का फर्क है। उच्च राशि में होने का क्या फायदा हुआ, ऐसा माल्य योग बनाने से क्या फायदा हुआ उच्च का, जो अस्त हो गया तो प्रभावहीन हो गया। यानी शुक्र भी अस्त हो गया और बुध भी अस्त हो गया, तो कहीं ना कहीं सुख में कमी, भौतिक सुखों में कमी, पत्नी के सुख में कमी, व्यवसाय में कमजोर की बात बन गई। अब बात करते हैं शनि की। दस को शनि द्वित्य भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, दोनों भाव महत्वपूर्ण है और धनु लग्न के लिए अकारक माना जाता है। शनि द्वादश भाव में है। अब देखिए द्वादश भाव खर्चे का भाव है, खर्चा अधिक करेगा, अकारक है और शत्रु की राशि में खर्चा अधिक करेगा। और जहां से खर्चा करेगा तो अलग बात, तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, वहां से भी खींच करके धन को खर्च करेगा, मतलब आमदनी से अधिक खर्चा ऐसा हो जाएगा, बेशुमार खर्च कराएगा शनि यहां पर द्वादश भाव में। एक तो अपने द्वादश भाव में बैठा है तो भी खर्च करेगा, और खर्चे के भाव में बैठ करके धन भाव को देख रहा है तो खींच लेगा धन को भी, सहवास सुख में कमी आएगी, भारी संबंधों से भी हानि रहेगी और धन धीरे धीरे ऐसे चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा और कुटुंब का सुख भी नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु पक्ष पर प्रभावित तो होगा, परंतु दशम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, यहां पर भाग्य की हानि होगी। शनि दशम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, हानि होगी क्योंकि शत्रु की राशि है। दूसरी तरफ चंद्रमा भी बिल्कुल निरोला नहीं है, शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी शुक्र पक्ष का द्वादशी है, वो भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है। उसके साथ साथ शनि के 3 डिग्री 54 मिनट है, यानी 4 डिग्री के बराबर लगा लो 12-8 डिग्री का फर्क है, कहीं ना कहीं चंद्रमा पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। ज्यादा तो नहीं आ सकता क्योंकि चंद्रबल कमजोर तो नहीं हो रहा क्योंकि शुक्ल पक्ष का है। उसके बाद चंद्रमा कहां कमजोर रहा है हम बाद में बताएंगे। तो ये भाग्य भाव की हानि हो रही है, भाग्य भाव की हानि हो रही है। अब बात करते हैं राहु की। दस को राहु पंचम भाव में मेष राशि में है और मंगल के साथ है, तो दोनों पाप ग्रह हैं। शिक्षा तो कुछ दे देंगे लेकिन संतान के पक्ष में परेशानी होगी, फिर भी धैर्य और हिम्मत बांध करके शिक्षा प्राप्ति जो करता है, संतान में कमजोरी की बात आ जाती है। ऐसे जातक को संतान मिलती भी है तो योग नहीं मिलती, कार्य मिलती। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, शनि भी भाव को देख रहा है, राहु भी यहां पर देख रहा है, तो राहु और मंगल राहु के साथ प्रभाव मिलाकर के दे रहा है। मंगल और राहु अंगारक योग का प्रभाव जा रहा है, मंगल भी पंचम भाव का स्वामी जरूर लेकिन दूसरी द्वादश भाव में, कहने का मतलब नव भाव पर यहां पर भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव हो रहा है, नरम भाव की धज्जियां उठ रही है, भाग्य भाव बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, लाभ में परेशानी। राहु नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, जहां पर दस को देखो राहु के साथ मंगल का भी प्रभाव जा रहा है और राहु का भी प्रभाव जा रहा है और लगन पर जा रहा है, और लगन सिर है, दिमाग है,
ऐसे जातक को सिर में चोट लगने के खतरे बहुत हैं, क्योंकि राहु भी चोट का कारक है और मंगल भी चोट का कारक है। ये समस्या वाली बात आ गई। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्श को एकादश भाव में है, आमदनी में कठिनाई, पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमो साहस से चलता है, शिक्षा के भाव को देख रहा, शिक्षा परेशानी आएगी परेशानी आएगी, और नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो अपनी पत्नी से मतभेद होंगे। यहां पर इसमें भी राहु शुभ नहीं है, पत्नी से मतभेद करा रहा है। ये मैंने ग्रहों का प्रभाव देखा। जात को मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, चंद्रमा के 12 डिग्री है और राहु केतु के 26 डिग्री है। जब राहु के डिग्री से और राहु केतु की परिधि से चंद्रमा बाहर है, जो भी कोई ग्रह बाहर हो और राहु से उसके अंश कम हो, तो उसको संपूर्ण काल सहयोग, हमारे ज्योतिष विद्वानों ने मांगा है, तो संपूर्ण काल सहयोग है और इस तरह पद नामक काल सहयोग बनता है। ऐसा काल सहयोग विद्या एवं संतान में परेशानी, जीवन में जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं मिलता, लाभ में रुकावट, मन में चिंता, असफलता पीछे नहीं छोड़ती और जीवन में संघर्ष बना रहता है। अभी दर्शकों मंगल की महादशा चल रही है, मंगल पीड़ित है। जो ग्रह पीड़ित हो जाता है वह शुभ फल देने में असफल होता है। हालांकि मंगल त्रिकोणिश भी है, द्वादश भाव का भी स्वामी मिश्र फल देने वाला है, लेकिन पीड़ित हो गया, शुभ नहीं है। अभी दर्शकों परिश्रम अधिक, लाभ की प्राप्ति कम। आपने पूरे ग्रहों का प्रभाव देखा, परिश्रम अधिक, लाभ की प्राप्ति कम। जैसा हमने बताया कि यहां पर सूर्य को इनको परिश्रम तो करना पड़ रहा है और लग्नेश बीच राशि में है, प्रबल पित्त दोष आ गया, कहां से धन जुड़ेगा। यहां पर आमदनी का भाव पीड़ित है, तो आमदनी कहां से आएगी, परिश्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, आमदनी कम हो रही है और धन कम जुड़ रहा है, और कम जुड़ने के साथ साथ शनि खर्चा ज्यादा कर रहा है, कोष खाली हो जाता है सूर्य और ये गुरु और शनि की वजह से। SBI बैंक हमारा जो द्वितीय भाव है खाली हो जाता है। द्वितीय भाव पर अशुभ प्रभाव धनानी, द्वितीय भाव पर अशुभ प्रभाव आ गया, गुरु नीच का हो गया, स्वयं लग्नेश ही नीच का हो गया, वो पूरी पैतृक संपत्ति को भी उठा रहा है और शनि का भी प्रभाव हो गया, धन की हानि। दसमें सप्तमें दसम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया, अपने भाव के लिए कुछ नहीं कर रहे, सूर्य देवत्व को ही करना पड़ रहा है, कि सूर्य भाग्य है और सूर्य का एक नियम है, सूर्य एक राजा है, सूर्य का नियम है कि अगर उसकी पंचम राशि सिंह राशि पीड़ित होती है तो सूर्य देव भी अपना मुंह ऐसे लटका लेते हैं जैसे 6 महीने का भूसा टमाटर, मतलब सूर्य देव भी परेशान है उसकी राशि पीड़ित होने से। ये एक अंडरस्टूड बात है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तो अपने भाव से छठे भाव पर अष्टम भाव पर आ गया, देख नहीं रहा, देखता तो कुछ करता तो देख नहीं पा रहा। तो चंद्रमा और सूर्य का भी षटाष्टक योग है, और चंद्रमा से जब अष्टम स्थान पर सूर्य होता है, चंद्रमा से अष्टम स्थान पर सूर्य होता है, रोगी बनाता है, खर्चा रोगों में खर्च होता है। दूसरी तरफ गुरु और चंद्रमा के भी षटाष्टक योग होता है, धन की हानि पर दरिद्र रहने पर मजबूर हो जाता है और भागी कमजोर, और भागी कमजोर होता है, भागी का कमजोर होना हुआ, भाग का साथ देना नहीं हुआ, आमदनी कम हो गई, खर्चा ज्यादा, कोष खाली, परिश्रम अधिक, लाभ की प्राप्ति कम, आर्थिक स्थिति कमजोर, भाग्य कमजोर। कारण क्या, कारण मैंने आपको सब बता दिया कि भाग्य कमजोर है, लग्नेश नीच राशि में है, द्वितीय भाव पाप प्रभावित है, धन कहां से जुड़ेगा, खर्चा अधिक हो रहा है। तो दर्शकों ये जातक की कुंडली। अब बात करते हैं इसको कुछ उपाय करने की। नीच लग्नेश हमेशा वाणी में भी दोष देगा, आंख में भी दोष देगा, हमारा शास्त्र बताता है, जिसका भी कोई भी नीच लग्नेश हो उस लग्नेश के यंत्र के साथ उसका रत्न जला करके उसकी पूजा कर गले में धारण करें, एकदम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई पितृदोष है, आया तो क्यों, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार उनका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करें, लग्नेश का रत्न धारण करें, पितृदोष धारण करें, लग्नेश का रत्न धारण करें, और शनि के साधारण उपाय आप उपाय कीजिए, शनि परेशानी दे रहा है। राहु अंगारक योग की शांति कराए और आपके जो पूर्वज हैं उनके नियमित श्राद्ध आदि निकाले तो अवश्य आपकी राह आसान होगी,
उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने कारण बताया, पितृदोष प्रबल बता दिया, मंगल राहु कांगारक बता दिया, काल सब योग बता दिया, लग्नेश नीच लग्नेश है, अपने आप में प्रबल पितृदोष आ गया है, तो भाग्य कमजोर है, साथ नहीं दे रहा। तो दर्शकों, मैंने 85 का जवान है, अभी तो उम्र पड़ी हुई है, बेचारा परेशान हो रहा है, क्या हो रहा। मैंने आज आपके सामने उसकी कुंडली का विश्लेषण किया, ऐसा जातक पितृदोष निकाले, लग्नेश का रत्न धान करे, कालसर्प दोष की शांति करे, मंगल भाव का निकाले, ये सटासट लो तो सब खत्म हो जाएंगे, गंधक पहने गए वो बन गए, उसके हिसाब से पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही कुंडली बनती है, उनका प्राश्चित करना बहुत जरूरी है, ये शास्त्रों के सम्मत है, तो कुछ राह आसान हो सकती है। हमारी मनुष्यों ने कर्म करने के लिए हम आए हैं, कर्म हमारा करना फर्ज है, फिर छोड़ दो उस प्रभु हरि के ऊपर, जो वो देगा अवश्य देगा। लेकिन ये भी बात है कि भगवान हरि भी श्री हरि भी वचनबद्ध है, वो कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल दूंगा। आप जब उसकी उपासना करोगे वो तो शुभ कर्म है, तो जरूरी तथास्तु बोल देगा, आप श्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो, अवश्य फायदा मिलेगा। मैंने बहुत देखा लोगों को फायदा मिला, तो आपको मिलेगा। दर्शकों, होनहार पुरुष की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मैं हमेशा बताता हूं, मैं यहां पर नर्मदा जी के तट के नजदीक हूं, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, ईश्वर के संपर्क कर सकता है, ईश्वर हाथ से पत्रिका टाइम पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है, 25-30 पेज हाथ के हो जाते हैं, आज के युग में कोई लिखने वाला नहीं, सिर्फ ऋषि ज्योतिष ही लिखता है। कन्या भाव के लिए बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके आपकी राह आसान करता है, गुण मिलान बना कर देता है, ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है, जरूरत ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। फिर भी कहूंगा, आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगेगा, खराब लिखा है तो आप खराब ही लिख दीजिए, कुछ तो लिखिए ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। मैं कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता रहूं और मेरा भी मन प्रफुल्लित हो। धन्यवाद।